आवाज मेरी ही कम कर रखी है मैंने, सबकी बढ़ेगी। ये हाल है, समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं कम बोलूंगा। हालांकि इस दौर में सबसे मुश्किल काम है कम बोलना। हम हिंदुस्तानी लोग आध पौन घंटा तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं, और आधे घंटे बाद ये बात भी सामने वाला ही बताता है कि भाई साहब रॉन्ग नंबर लग गया दिखता है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, कवियों ने आपके प्राण पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ताली बजाओ, हाथ उठा के बजाओ, हाथ बिठा के बजाओ, लेट के बजाओ, बैठ के बजाओ। जब बात अच्छी होगी तो अपने आप बजेगी, न होगी तो ताली कोई कविता का पैमाना थोड़ी है। इतने लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए बैठे, लेकिन आज कवियों ने बहुत अच्छा सुनाया। भाई राम बदावर को मैंने पहली बार सुना, सबीना जी और सोनदान जी का तो कहना ही क्या, सोन लाल जी का तो कहना ही क्या। मुझे वो कवि सम्मेलनों का पुराना दौर याद आ गया जिसमें रघुराज सिंह जी हाड़ा, रेवत दान जी चारंग, कल्याण सिंह जी राजावत, ब्रजमोहन सपूत जी, वो तमाम लोग थे। उनको मैं सुनता था, छोटा सा था, उन्हीं से मैंने भाषा कैसे इस्तेमाल की जाती है वो सीखा। बहुत अच्छा सुना है पिछले दिनों। आजकल अच्छे कवि सम्मेलन होते नहीं, मैं एक कवि सम्मेलन में फंसा। कवयित्री ने सरस्वती वंदना की, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे, और इतना बेसुरा गा रही थी। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। कई लोग शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आपके दो चार ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुए, आजकल आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। मैं प्रशासन का भी आभारी हूँ, आप लोगों को भी कवियों ने खूब सुनाया, लेकिन आप परवाह नहीं करते हो, अच्छी बात है, ऐसी करनी भी नहीं चाहिए। देखो कवियों से भी एक निवेदन है, सबने अच्छा सुनाया, लेकिन लाफ्टर शो और कवि सम्मेलन में अंतर है। क्या बात, कवि सम्मेलन में हल्का फुल्का सुना जा सकता है, हल्का नहीं सुना जा सकता। वाह, यहाँ से परिवार लोग आए हैं तो भाषा की जो मर्यादा है, पद्मभूषण गोपाल दास नीरज जी एक बात कहते थे कि कवियों की जिम्मेदारी है कि जो कवि सम्मेलन सुनने आया है वो जब घर लौटे तो उसकी भाषा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। वाह, वो यहाँ से सीख करके जाए कि भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता। मैं सोच रहा हूँ कि इधर उधर की बात करने के बजाय मैं आज आपको कुछ गाढ़ा सुनाऊँ तो अच्छा लगेगा। जफर जी टांक और भाई मनीष सुखवाल और तमाम जो लोग हैं, मुझे पता नहीं आप किस राजनीतिक दल के लोग हैं, और मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं किसी का विरोधी हूँ। अब वही व्यंग अगर कोई दूसरा कर देगा तो उसका बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं जब कहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, जबकि 2014 के पहले मैंने मनमोहन सिंह जी के बारे में खूब बोला है। अब वो वीडियो उपलब्ध नहीं है यूट्यूब पे, तो मैं क्या करूं, बाकी खूब बोला है हमने, ऐसी इमेज बना दी मेरी। अगर मैं भूल से ये भी कह दूं चेयरमैन साहब कि मोदी जी विकास के दम पर दोबारा जीत के आए हैं, तो लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। लेकिन मैं क्या आप लोगों की, वो सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं, न तो मुझे कोई धमकी मिलती है, न कोई बुरा मानता है, सब मजे लेते हैं। आखिर पेट्रोल तो उसी भाव अपने को भी खरीदना पड़ रहा है। तो ये सब आनी जानी चीजें हैं। मैं एक दो लघु कथा आपको सुनाता हूं। आज दशहरा था, विजयदशमी की शुभकामनाएं। पूरी राम कथा का एक पंक्ति में सार क्या है, सोने का हिरन नहीं होता है। बस ये समझ लो आप, चमक बेची जाती है, पूंजीवाद में भय और सपने बेचे जाते हैं। वहीं एक मैं लघु कथा आपको सुनाता हूं। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, बैठे हैं यहां, अच्छा ठीक है। ये क्षेत्रीय जो पत्रकार हैं यहां, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, बहुत मेहनती लोग हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए, वो इनके काम को भी महत्व नहीं देते। ये भी बेचारे हमारी तरह थोड़ा त्रासद स्थिति में है,
कलम जेब में रख दी, कंधे पे कैमरा टांग दिया और हाथ पीछे बांध दिया कि अब करो पत्रकारिता। तो ऐसे में ये भी क्या करेंगे। मैं आपके काम को सलाम करते हुए कथा सुनाता हूँ लगभग। मैं एक तो कविताएं नहीं सुनाता, आपको बताऊँ, मैं गद्य सुनाता हूँ, जिसे उर्दू में नसर कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। ये परंपरा कवि सम्मेलन में शरद जोशी जी ने शुरू की थी और बाद में केपी सक्सेना जी ने इसको आगे बढ़ाया। छोटा मोटा प्रयास मैं करता हूँ और भी लोग करते हैं। देखें, ब्रेकिंग न्यूज, अब सब ध्यान से सुनने वाले बैठे, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिवस जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, एक एक पंक्ति पर मोहब्बत चाहेगी आपकी। एक दिवस जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नवे न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अब आपकी तालियां उठेंगी, समापन करता हूं। दसवें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। अखबारों में एक जमाने में कितना साहित्य होता था, आज आपको कहीं वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। वो धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, रविवार का समय, हर अखबार में साहित्य के अलग से पेज होता था। लेकिन अब तो धर्म, क्रिकेट और हेल्थ, पढ़ करके ही बीमार हो जाए आदमी। अखबार तीन चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का आप कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। एक रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह दो ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा, मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोले हमारा अखबार कोई ओकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है।